बच्चों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, टीपी मेमोरियल विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से। आज हम अभ्यास 2.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रगुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, 509 गुणे 6 प्लस 509 गुणे 4। अब इसमें देखिए, कुल दो पद है, 509 गुणे 6 ये पहला पद है, गुणा के में जितनी भी राशियां गुणित के रूप में लिखी रहती हैं वो पहला पद बोला जाता है। प्लस या माइनस के बाद जो दूसरी संख्या लिखी रहती है वो दूसरा पद बोला जाता है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में 509 कामन है। कामन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों पदों में है उसे कामन कहते हैं। तो 509 पहले पद में है और दूसरे पद में भी 509 है, तो 509 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इन कॉमन वाली संख्या, इस कॉमन वाली संख्या का क्रमशः पहले पद और दूसरे पद में भाग देकर लिखेंगे। तो 509 509 कट जाएगा, 6 बचेगा। प्लस 509 से दूसरे पद में भाग देंगे, 509 कट जाएगा, 4 बचेगा। तो 509 इस कोष्टक के बीच में यहां पर गुणा का निशान है, 6 और 4 10। तो 509 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 5090 आएगा। इसी तरीके से 5678 गुणे 79 धन 21 गुणे 5678, तो 5678 ये दोनों पदों में आया है, इसलिए यह कामन संख्या है। 5678 5678 कामन संख्या लिखने के बाद इस कामन वाली संख्या का जब भाग देंगे पहले पद में तो 79 यहां बचेगा। प्लस 5678 से ये 5678 कट जाएगा, 21 बचेगा। 5678 और इन दोनों को जुड़ा 79 21 100। 5678 यहां पर गुणा का निशान है, संख्या और कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 100। तो 5678 गुणे 100। अब हम गुणा करेंगे, बहुत ही आसान है गुणा करना। पहले हम जितने जीरो उसको बढ़ा लेंगे, 1 2 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5678 का जब 1 में गुणा करेंगे वही आएगा 5678। इस तरीके से जब हम 5678 का 100 में गुणा करेंगे तो 5,67,800 आएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3 है, 2384 गुणे 196 माइनस 96 गुणे 2384। तो इन दोनों पदों में 2384 कामन संख्या है, इस कामन का पहले पद में भाग देंगे तो ये 2384 कट जाएगा, 196 माइनस 2384 कट जाएगा, 96 बचेगा। 2384 196 में 96 घटाएंगे 100, 2384 यहां पर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे, 100। फिर गुणा करेंगे, 0 0 बढ़ा लेंगे और 1 का जब संख्या में गुणा करेंगे 2384 में तो 2384 आएगा। इस तरीके से हम 2384 का 100 में गुणा करेंगे तो 2,38,400 आएगा। इस तरीके से अभ्यास 2.3 के प्रश्न संख्या 3 के चौथा पांचवा छठवां सवाल हल करेंगे और इन सवालों को भी कॉपी पर हल करेंगे।